मॉर्निंग एवरीवन। आज लाइट देख रहे हैं, काशु का रूम बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। एलेक्सा, चेंज द कलर टू वॉर्म वाइट। काशवी, Sorry, what device? इस बल्ब ये देखिए, सब एलेक्सा ही करती है। टीवी भी एलेक्सा ऑन करती है, लाइटें भी एलेक्सा जलाती है, टीवी Alexa, switch on Fire TV. What भी ऑन करा दिया उसने। हाँ, तो ये काशु का जो रूम है ना, ये प्योरली हाईटेक रूम है। और अब ये अपने भी पापा के साथ कल रात वाला प्लान करेगी जो कैंसिल हो गया था। आज ये जाएगी जकूजी में। हाँ, और मेरा आज अलग ही प्लान है कि मैं जिम से पैदल जाऊंगा सेक्टर 56 तक। हाँ, हो पैदल जाओगे? बटली। तो यार आज बनाने वाली है मनचा लबाबदार मटन। पूरी तैयारी है। इसकी अपनी रेसिपी है तड़के वाली। और ये जो बंदा इंसान आपको यहाँ पे बैठा हुआ दिख रहा है, ये तड़प रहा है उस चीज़ के लिए। और मैंने अपना प्लान कर लिया है, मैं डायरेक्ट जिम जा रहा हूँ। मटन घर पे आएगा, ये लोग लेके अपना 56 जाएंगे और फिर मैं यहाँ से पैदल 56 जाऊँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं तो भ्रष्ट ब्राह्मण हूँ, तो बस अब मम्मी को देखो मैं कैसे परेशान करता हूँ। मामा, मटन आ रहा है, लिशियस से पकड़ लेना, ठीक है? हैं, क्या हो गया? ले लोगे ना? बैठे हैं बहुत ज्यादा पकड़ने वाले। कौन बैठे हैं? नहीं, लेकिन पकड़ना आप नहीं है, सिर्फ पोहा खा लो अपना, उसके बाद मटन पकड़ लेना बस। तो यार मौसम भी आज भी प्यारा ही है, सुबह से बारिश ही हो रही है। और मैं जिम ही जा रहा था, मैंने सोचा आपको एक अपनी और कहानी सुना दूं। मैंने अपने सबसे पहले व्लॉग में बीच में कहीं मेंशन किया था कि मेरा चलते हुए भी चालान कटा हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं यहीं जिम से वापस आ रहा था, और जैसे आपका नॉर्मल डेली लाइफ में होता है कि अपना मास्क पहनना भूल जाता है यार आदमी, फिर सडनली याद आता है। और भाई मेरी किस्मत ऐसी थी कि पेट्रोल वाले घूम रहे थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे वहीं 500 रुपये चलते आदमी का चालान कटा, 500 रुपये का मास्क का। और वो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, सर इट वॉज़ अ जेन्युइन मिस्टेक, घर में से भी बाहर निकलते हुए आदमी कभी कभी कहते हैं वो मेरा मास्क इधर रह गया। तो मैंने उनके सामने मास्क पहन भी लिया, लेकिन गाइज उनको पैसे तो चाहिए थे शायद। भाई जिम छोड़ दिया मैंने और अब मैं जा रहा हूँ अपने, यहाँ पे बनने वाला है आज प्यारा वाला मटन। तो यार मैं आज फिर से वही चीज़ कर बैठा हूँ, बट आज का रास्ता ना वाटर से भी बहुत कम है। जो मैं दिल्ली चला गया था, आज का रास्ता 5 किलोमीटर ही है शायद। कीचड़ तो फुल ऑन है बारिश की वजह से, पर यार मैं आपको पता ही है, जितना ज़्यादा हो सके उतना चलने में विश्वास रखता हूँ। चलते चलते आ गई है एक बुरी खबर, मनसा पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पे 56 में, बट पार्किंग करते करते उसने गाड़ी लगा दी भाई बैक करते हुए। अभी पहुंच के देखता हूँ कितना डैमेज हुआ है। चलो अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है अभी तो। यार ये कोई गांव वाला रास्ता है, लेट्स सी। देखो मुर्गे की आवाज़ भी आ गई, मज़ेदार। बच गया ये मुर्गा आज, क्योंकि मटन मंगाया हमने। तो यार ये बहुत ही गंदे पैद से ले आया मुझे, बट ठीक है, पैदल चलते हुए इतना पता नहीं लगता क्योंकि साइड साइड पे ठीक है, डिसेंट वॉकिंग का रास्ता बना हुआ है। मैं पहुंच गया हूँ बस हुडा मार्केट के पास, 56 सेक्टर की लाइट क्रॉस करके, बस अब सीधा सीधा मुझे रास्ता पता है। बस आ गया हूँ यार मैं बस, आई थिंक अब और मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे, बट एक टेंशन है यार, गाड़ी पता नहीं कितनी ठुक चुकी है, क्या डैमेज है, लेट्स सी। आई होप ज़्यादा ना हो यार, वर्कशॉप ले जाना करना बहुत टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, बट देखते हैं। चलो आ गया यार मैं, पहुँच गया, अब देखता हूँ क्या सीन है कार का। यार अभी तक तो ठीक लग रही है, उसने बोला पीछे से लगी है, इतनी पीछे कहाँ ले आई है कार को।
कहाँ लगी है गाड़ी? ओहो, ओके, ओह गॉड। चलो करते हैं इसका, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यार मैंने थोड़ा हाथ मार मार के बम्पर तो बाहर निकाल दिया। ए स्टार एस प्योर प्लास्टिक, देखता हूँ अभी। बस इतना फिक्स कराना है, इतना कुछ मेजर हुआ नहीं वैसे। ठीक है, तो यार ये है निशानी सिर्फ पैदल चलने वालों की। ये देख सकते हो अंदर से मेरा अंगूठा दिख रहा होगा है? ये जूते 1 साल भी नहीं चलते मेरे कोई भी, क्योंकि या तो तुम चल सकते हो या जूते चल सकते हैं। तो यार अब मैं नहा धो के फ्रेश हो के फिर मंशा का मटन दिखाता हूँ सबको। उसकी शक्ल उतरी हुई है लेकिन अभी भी। अरे मैंने काफ़ी हाथ पैर मार के ना उसे ठीक कर दिया, टेंशन मत ले, आज घर जाके उसका कुछ कर दूंगा, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। तो यार आ गया हूँ मैं तो, नहा धो गया, सब हो गया, पूरी एक्सरसाइज कर ली, सुबह जिम किया, चल के आ लिया यहाँ पे। अब मेरा है पूरा दिन रेस्ट डे, कुछ नहीं करूँगा, बिस्तर पे पड़ा रहूँगा, खाना खाता रहूँगा बस। खाना लेकिन अच्छा ही खाऊँगा ऑब्वियसली, बट अब नो फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल, अब सिर्फ रिलैक्स एंड रिलैक्स पूरा संडे। बट बहुत रिवॉर्डिंग लगता है अभी मैं, मतलब जब भी तुम कोई ऐसी चीज़ कर लो ना अच्छा लगता है कि यार चल आज का दिन सक्सेसफुल हो चुका है, आप करो, रेस्ट ऑफ द डे इज़ ऑल योर्स टू एंजॉय। पूरा तुमने अपना ग्राइंड मार लिया है, जो करना था कर लिया यार। अब दिखाता हूँ ये हमारी छोटी बच्ची का मटन, मुझे एक बार बनते हुए शेप तो दिखा दे यार। हैं यार इतना मस्त बनाती है ना यार। हेलो फ्रेंड्स, मटन खा लो, गजब बन रहा है मेरे को लग रहा है ये। और ये है हमारी मास्टर शेफ यहाँ पे, देखो मस्त। तो यार मटन की ना मैं आपको एक बार फिर शेप दिखा देता हूँ। ओए हो यार, ये तो यार देखो मैं छोड़ नहीं सकता। खैर तो यार स्किन भी उतर गई है बोन्स के ऊपर से, आई एम सॉरी जो भी वेजिटेरियन हैं जो देख रहे हैं, आई एम सो सॉरी, बट ओए यार आई जस्ट कांट वेट। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कोई कड़छी हिला रहा है। ओए मटन बना रहा हूँ मैं। तुमने बनाया आज मटन? अरे वाह, कितने पसीने आ गए यार बेचारा, क्योंकि वो थोड़ा सा कच्चा था। अरे तुम्हें पता होगा तुम बना रहे हो, बताना। एंड ये भैया ने अपनी प्लेट चेक कर दी है, अभी तो इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा सा एज स्नैक्स खाया है। नाउ ही विल हैव लाइक द मेन कोर्स विद राइस। कैसा बना है? बहुत सॉफ्ट है, मजा आया। थैंक यू। तो रेलिश कर रहे हैं अभी, ये बात नहीं कर रहे हैं खाते, they're just relishing। आए हैं अभी इनको, इसको दिला रहे मैंगो आइसक्रीम ज्ञानी से, और इसका आप देख सकते हो बेल्जियम, माय फेवरेट। काश की आइसक्रीम पता नहीं कहाँ नीचे रखी है उन्होंने, बस उसी की वेट हो रही है अभी। थैंक यू भैया। ये लो बच्चे, मास्क पहन के खाओगे? हाँ बच्चे हो गए हैं खुश हुड्डा मार्केट से, ज्ञानी की आइसक्रीम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे चल रही है गाड़ी के अंदर सेफ एंड सिक्योर ज्ञानी की आइसक्रीम। काशवी दिखाओ अपनी मैंगो वाली, एक तो मैंने भी खा ली बाइट आज, बेल्जियन चॉकलेट नहीं मंशा, बस मेरा एक का हो गया बफर पूरा। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकल गए थे चारों के चारों ड्राइव पे। काशु आपकी आइसक्रीम खत्म हो गई? 10 घंटे पहले हो गई थी। अच्छा ठीक है। तो यार इतनी अच्छी ड्राइव और सिटी लाइट्स देखने के बाद अब बस घर जा रहे हैं वापस, पूरी समेटा समाटी करके वापस घर आ रहे हैं। हाँ जी, बर्तन हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका धन्यवाद आ गया। थैंक यू यार, थक के ना कुछ काम नहीं होता यार। बताओ यार, मटन भी मैं ही बनाऊं, बर्तन भी मैं ही धोऊं? हाँ हाँ, सारे काम तुम ही करते हो, मैं तो ऐसे वेली बैठी रहती हूँ। अभी तो सबसे बुरी चीज आने वाली है, ये देखो
खाया भी तो है, कुछ मेहनत भी करो हैं। बनाने में यार मेरे 3-4 घंटे लग गए। तेरे? हाँ मेरे। ओके, ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। एक करछी क्या हिला दी, समझ लिया मैंने ही बनाया है। हाँ ज्यादा बनते हो हैं? और अच्छे से साइड से भी। अरे वो साइड से रह गया। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे पर साइडों में लगा होता है ना, इंस्ट्रक्शन तो मालकी नहीं देती है। तो यार सब वहाँ के किचन में समेट समूट के सफाई सफूई करके आ गए हम अपने घर वापस। तो बस अब सोने की तैयारी चल रही है कि कल फिर वही गंदा वाला दिन है जैसे मंडे का नाम दिया जाता है। और यार मेरा ना अगला जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर इट। तो यार आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज सब्सक्राइब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गुड नाइट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।